और पानी पीते ही वो चारों परी बन जाती है। तभी वो झरना प्रकृति देवी में रूपांतरित हो जाती है और सिंचुला जंगल की स्कूल में पॉपी कबूतर, राया मैकाओ, नैन्सी सालिक और मुनिया एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो चारों पढ़ाई में बाकी सबसे बहुत ही अच्छे थे और इसीलिए वो चारों बहुत ही अहंकारी भी थे। एक दिन आज मैथ्स की पेपर में मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। हाँ, हमें भी, लेकिन बाकियों का क्या हाल है? छोड़ ना उन्हें, या तो कम नंबर मिले या तो फेल हो गए होंगे। इस तरह वो दूसरे पर हंसते थे। एक दिन स्कूल के टिफिन टाइम पे वो चारों जब झूला झूल रहे थे, तभी अर्लोसारस नैन्सी सालिक के पास जाके कहती है, नैन्सी, एक हफ्ते से बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं आ सका, क्या तुम मुझे तुम्हारी स्कूल की कॉपी दे सकते हो? नहीं बाबा, मुझे तो घर जाके पढ़ाई करनी है। पॉपी, मुनिया, राया, क्या तुम में से कोई दे सकते हो? माफ करना अर्लो, हमें भी घर जाके पढ़ाई करनी है। फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और अर्लो रोते हुए एक पेड़ की डाल में जाके बैठ गया। तभी वहाँ टुनिया आती है। रो मत अर्लो, मैं कक्षा में अव्वल तो नहीं आती, लेकिन हर साल पास होती हूँ, तुम मेरी कॉपी ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया टुनिया। इसके कुछ दिन बाद स्कूल के सारे बच्चे मिलके पिकनिक मनाने समुंदर किनारे जाते हैं। वहाँ पहुँच के कुछ दोस्त मिलके गाना बजाते हैं, नाचते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन नैन्सी, राया, पॉपी, मुनिया किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। तभी टीचर कोयल उनसे कहती है, क्या बात है बच्चों, तुम चारों यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? जाओ सबके साथ खेलो। हमें खेलना कूदना बिल्कुल पसंद नहीं, हमें तो सिर्फ पढ़ाई करना पसंद है। बच्चों, पढ़ाई के साथ ही सबके साथ मिलके खेलना कूदना भी चाहिए, इससे मन और स्वस्थ दोनों अच्छे रहते हैं। फिर टीचर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो चारों वहीं बैठे रहे। देखा तुमने, वो चारों इतना घमंडी है कि टीचर की बात भी नहीं मानी। कैसे मानेंगे, कैसे खेलेंगे हमारे साथ, वो तो हमें पसंद ही नहीं करते। इसके कुछ दिन बाद स्कूल के छुट्टी के टाइम पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी राया, तुम्हारा छतरी तो बहुत बड़ा है, इस बारिश में क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कैसे आओगे मेरे साथ? तुम्हें देखकर ही तो मुझे घिन आती है। ऐसा मत बोलो राया, हम सब दोस्त हैं। दोस्ती बराबरी में होती है थियो, जैसे हम चार हर साल कक्षा में अव्वल आते हैं। फिर एक दिन शाम को जंगल के सारे पंछियों के बच्चे मिलके खूब मजा कर रहे थे। तभी नैन्सी, राया, पॉपी, मुनिया जाके पास वाले खेत में घूम रहे थे और ये देख अर्लो ने बोला, देखो हम सब मिलके यहाँ कितने मजे कर रहे हैं और वो चारों अलग अलग घूम रहे हैं। वो तो हमें पसंद ही नहीं करते। हमें परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि हमारे पास कोई दिमाग ही नहीं है। ठीक उसी वक्त अचानक से वो चारों घमंडी पंछी चीखने लगे, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। उन चारों के पैर एक जाल में फंस गए थे। अरे ये क्या, मेरे पैर तो जाल में फंस गई। मैं भी जाल से अपने पैर छुड़ा नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ इस तरह जाल बिछाया किसने? तब तक वहाँ थियो, टुनिया, अर्लो और बाकी पंछी भी पहुँच चुके थे और सब मिलके बहुत कोशिश की उन चारों को जाल से छुड़ाने की, लेकिन नाकामयाब रहे। तभी
थियो ने कहा, देखो मेरे दिमाग में एक विचार आया है, जिसने भी जाल बिछाया है वो थोड़ी देर बाद ये देखने के लिए जरूर आएगा कि कोई पंछी या जंतु जाल में फंसा है कि नहीं, और तब तक के लिए तुम सब मरने की एक्टिंग करो। और वो तुम्हें जैसे ही जाल से निकलकर जमीन पर रखेगा, हम तुमको इशारा कर देंगे और तुरंत ही तुम सब उड़ जाना। इसके कुछ देर बाद देखा जाता है कि एक काल नाग वहाँ आता है और क्या बात है, चढ़ चढ़ पंछी, लेकिन ये क्या, लगता है सारे पंछी चटपटाते हुए मर गए और मुझे मरे हुए पंछी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पंछियों को यही छोड़कर जाल लेकर घर चला जाता हूँ। और जब काल नाग पंछियों को जाल से बाहर निकाले, तुरंत ही पेड़ पे बैठी टुनिया, भागो दोस्त, भाग जाओ, जल्दी जल्दी भागो। टुनिया की आवाज सुनते ही पॉपी, राया, नैंसी, मुनिया भाग निकले। फिर वो चारों जंगल में आके तुम सब मिलकर हमसे दोस्ती करने के लिए ये योजना बनाई थी, है ना? हमने तुमको बचाया और हमें धन्यवाद करने के बजाय तुम हम पर ही आरोप लगा रही हो। ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब समझ चुके हैं। चलो दोस्त, यहाँ से चलते हैं। फिर वो चारों एक झरने के पास जाके पानी पीने लगे और पानी पीते ही वो चारों परी बन जाती है। अरे ये क्या, हम परी कैसे बन गए? क्या ये झरना कोई जादुई झरना है? तभी वो झरना प्रकृति देवी में रूपांतरित हो जाती है और मैं प्रकृति देवी हूँ और झरना के रूप से बहकर इस जंगल का संतुलन बनाए रखती हूँ। क्या हम असल में परी हैं? हाँ, तुम चारों ही बहुत ही घमंडी परी हो और इसीलिए परीलोक से तुम्हें यहाँ मर्तलोक में सजा के रूप में भेजे गए थे, लेकिन तुम नहीं सुधरे। शिक्षा केवल कक्षा में अव्वल आना नहीं होता है, दिल, दिमाग, सोच, विचार, श्रद्धा, विश्वास, अच्छा व्यवहार, ये सब कुछ मिलके संपूर्ण होता है, लेकिन तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। और अब मैं तुम चारों को पाताल लोक भेज रही हूँ। प्रकृति देवी माँ ये कहते ही जमीन विभाजित हो जाती है और वो चारों नैंसी, पॉपी, मुनिया, राया जमीन के अंदर जाकर कीड़े के रूप में बदल जाते हैं। इधर प्रकृति देवी माँ फिर से झरना बनकर बहने लगती है और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़े पहाड़ों पे जा पहुंची। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। सिंचुला जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे, पॉपी, मुनिया, नैंसी, राया। ये चार पंछी सारे पंछियों में से कुछ अलग सी थी। उन चारों में थी गहरी दोस्ती। जंगल के बाकी पंछियों से वो ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। वो चारों बहुत ही सुंदर थी। जंगल के सारे पुरुष पंछियों ने उन चारों को बस देखते ही रहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो चारों पंछी अपने में ही खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे और इस वजह से जंगल के बाकी पंछियों ने उनको बहुत ही घमंडी समझते थे। सारी महिला पंछी उनके खूबसूरती से जलते भी थे। एक दिन जब पॉपी, राया, नैंसी और मुनिया जंगल में घूम रही थी, तभी जंगल के बाकी पंछी मिलकर बातें कर रही थी। तभी उनको देखकर टुन्ना ने बोला, अरे देखो देखो वो चार पंछी। फिर मैक्स ईगल ने बोला, अरे हाँ, पॉपी को देखते ही मेरा तो होश ही उड़ जाता है और मुझे तो राया पसंद है, चलो उनसे थोड़ी बातें करते हैं। ये कह के मैक्स ने पॉपी को नाम से पुकारा और बोला, पॉपी पॉपी देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैक्स की आवाज सुन के पॉपी कबूतर मुड़ के देखी
और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों क्यों नहीं चाहते? मैक्स में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बस मैं नहीं चाहती। ये सुन के मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहता है, इसकी इतनी घमंड, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये सब दूर पेड़ पर बैठी हुई अर्लोसरस देखती है और वो मयूरी से कहती है, तूने देखा मयूरी, मैं इस टुन्ना से दोस्ती करने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन ये राया से दोस्ती करना चाहती है और राया की रहते मुझसे टुन्ना कभी दोस्ती नहीं करेगा। मुझे इस राया का कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ उल्लू महाराज आता है और कहता है, नैन्सी तुम मुझे बहुत पसंद हो और इस जंगल का पंछी कुल के राजा होने के खातिर मैं तुम्हें रानी बनाने की प्रस्ताव देता हूँ। उल्लू महाराज की बातें सुनकर नैन्सी सालिक कहती है, मुझे माफ करना महाराज, आप मांसाहारी है और मैं कोई मांसाहारी से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे प्रस्ताव मानने से इनकार कर रही हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उल्लू ने अपने प्रजा को आदेश दिया, मेरे राज की पक्षी प्रजाओ, नैन्सी को पकड़ कर सूली पे चढ़ाओ, ये मेरा आदेश है। तभी थियो कौवा, अल्बर्टो काकातुआ, मैक्स ईगल और टुन्ना मिलकर नैन्सी सालिक को पकड़ कर ले जाते हैं। ये देखकर पॉपी कबूतर, मुनिया और राया में कहो विचलित होकर कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए महाराज, नैन्सी को छोड़ दीजिए। लेकिन जब सब मिलके नैन्सी को सुलह में चढ़ाने ही वाले थे, तभी अचानक से मुनिया उड़ते हुए आती है और खुद सूली पे बैठ जाती है और मुनिया को ऐसा करते देखकर सब चौंक जाती है। तभी नैन्सी चिल्लाती रोती हुई बोली, अरे तूने ये क्या किया मुनिया, क्यों किया? ऐसा नहीं करती तो वो सब तुम्हें मार देती। महाराज की प्रजा तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे और तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, मैं खरी खरी तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए। ये कह के मुनिया ने दम तोड़ दी, लेकिन दम तोड़ते ही वो एक सुंदर परी बन गई और एक ऊंची खड़ी पहाड़ों के ऊपर जाके रुकी, जो किसी ने भी नहीं देख पाई। इसके बाद फिर एक दिन मैक्स ने पॉपी के लिए एक फल लेकर आया और बोला, पॉपी आज मेरा जन्मदिन है और मैं सबके लिए फल लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते, लेकिन इस जंगल के सदस्य होने के खातिर मेरे जन्मदिन पर एक फल तो खा सकती हो ना? ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहती, जन्मदिन मुबारक हो। ये कह के पॉपी जब फल को खाने जा रही थी, तभी वहाँ नैन्सी आती है और कहती है, रुको पॉपी, मुझे इन पे विश्वास नहीं है, इसीलिए ये फल पहले मैं खाऊंगी, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तब तुम खाओगे। ये कहते ही नैन्सी फल खाना शुरू करती है और नैन्सी को फल खाते देखकर मैक्स डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नैन्सी फल खाते ही मर जाती है। तभी वहाँ राया पहुँचती है। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, मुझे बचाने के लिए तूने जहर पी ली, मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दी। अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो तुझे वो फल खाने ही नहीं देती, मैं खा लेती ये जहर। ऐसा मत बोल मेरी प्यारे दोस्त, अब एक तू ही तो रह गई मेरे लिए। नैन्सी भी मरते ही एक परी बन गई और वो भी उसी खड़ी पहाड़ों पे जाके रुकी। इधर पॉपी और राया रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पॉपी और राया अब पहले जैसे खुश नहीं थे, वो खेलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, सिर्फ उदास होके इधर उधर घूमते थे। टुन्ना तभी भी राया के पीछे पड़े थे, वो किसी भी तरह से राया का दोस्त बनना चाहता था और ये सब छुप छुप के देखती थी अर्लो। अर्लो जितना देखती थी उतना ही उसके गुस्सा बढ़ जाती थी और वो सारे गुस्सा राया पे निकलना चाहती थी। एक दिन रात को जब राया और पॉपी अपने पसंद का पेड़ पर सो रही थी, तब अर्लो चुपके से वहाँ उस पेड़ के नीचे आती है और मन ही मन कहती है, बहुत हो गया राया, मैं तुझे और सहन नहीं कर पा रही हूँ, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे, अब तो तुझे मरना ही होगा और तेरे मरने के बाद ही मुझे मेरी दोस्त टुन्ना मिलेगी।
ये कह के अर्लो ने चुपके से उस पेड़ पे आग लगा दिया और उस आग से पॉपी राया को बचाने लगी, तो राया पॉपी को। दोनों ने एक दूसरे को बचाते हुए आखिर में दोनों ही जलकर मर गई और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़ी पहाड़ों पे जा पहुंची जहां पहले से ही नैन्सी और मुनिया रुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो चारों परी कैसे बन गई। वो समझ रही थी कि मरने के बाद क्या हर कोई परी बन जाता है। तभी वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं, परियों तुम ये सोचकर परेशान हो ना कि तुम मरने की बाद ऐसे परी कैसे बन गई। असल में तुम चारों देव सखिया थी, लेकिन मेरी श्राप से यहाँ पंछी बनकर जन्मी थी। क्योंकि तुम चारों परी अपनी अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा झगड़ती थी, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में तुली रहती थी, और इसीलिए मैंने श्राप दिया था कि तुम धरती पे पंछी रूप लेकर जन्म लोगी और यहाँ रहकर एक दूसरे को प्यार करना सीखोगे। और ऐसा कोई वक्त आता है तो बिना सोचे ही एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दोगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और आज तुम चारों मेरा श्राप से मुक्त हो, चलो अब स्वर्ग में वापस चलते हैं। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है, जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।